डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो। जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। 3 दिन से आपके दुकान पर नहीं आया। अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए बाहर? अरे यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं? कौन हूँ आप? मैं ना आपकी दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ। मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है। अब 3 दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार। आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ से? सुनिए ना ना। अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तो मैडम इनको समझाओ ना, अपनी शक्ल दिखा के चुप कराओ इनको। मेरी वैसी भी शक्ल कौन सी देखी इन्होंने शादी की थी? मैंने तो वो देखा था, वो देख करके शादी कर ली थी बीवी से। जो देखा था उसको फिर से दिखा दे मैडम, फिर से वो दिखा, मुझे परेशान मत करो। आप बहुत निहायती कमीने नीच किस्म का। मैंने कुंडली देखी थी, कुंडली देख करके शादी करी थी। और इसका दिल अगर आप एक बार देख लेंगे ना, इतना बड़ा है ना इसका दिल, आराम से। अरे भाई यार तो कुंडली फिर से दिखाओ मैडम इसको यार। देखिए बुला रही है आपको लड़की प्यार से, आइए ना। पहले तेरा नंबर निकाल के ना घर में आके तेरी। आपके ये सब भी शौक है? अबे साले तू है कौन? HR बोल रहा हूँ। घर में घुस के मारूंगा साले, देख तू भी। हेलो। हाँ जी, आपके नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। आप कौन बात कर रहा है यार, क्या हो गया भाई? बोला गया है कि आपकी शक्ल एकदम से मिलती है, और आपकी शक्ल देख करके इंसान का दिन जो है वो ऑफिस में बड़ा अच्छा जाता है। वापस आ जाएंगे तो इसकी नौकरी भी बच जाएगी। हनीमून का तो दोबारा भी मना लेना। नौकरी अगर चली गई हाथ से तो गरीब माँ बाप है इसके। अरे थाने से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाई गई है आपकी, जल्दी से आइए। आप क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे आज ही अपने गंदी शक्ल दिखा दीजिए, लड़के का काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो? सुनिए ना, आ जाइए ना। अरे मैडम मैं बिहार ही पहुँच गया। एक मिनट, ये मेरी बीवी है। ये क्यों ड्यूल किरदार निभा रही है? कभी वहाँ पहुँच जाती, कभी यहाँ पहुँच जाती, इसका सीन क्या है यार? अरे मैं डबल टाइमिंग कर रही हूँ ना, 2-2 जन को, उसके साथ भी मेरे साथ। क्यों पागल बना रहे हो ये सारे यार? एक बात मेरे को बताओ, सुबह से तुम्हारा हुआ नहीं है क्या? अबे क्या नहीं हुआ यार, इसको चुप कराओ मैडम को। आ जाइए, मैं बता रहा हूँ। बहुत हनीमून मना रहे हो। गाली मत दें को मैडम को, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैडम, समझ के ठीक है? चुप हो जाए मैडम, प्यार से बोलती है। उन्होंने गालियों में PhD कर रखी है। अरे मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। आपके दोस्तों ने नंबर दिया था आपके हनीमून पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे तो यार भाई कैसा जा रहा है हनीमून? सिग्नल नहीं आता, सिग्नल वैसे नहीं आता, और तुम परेशान कर रहे हो साला। सिग्नल नहीं आ रहा तो नेटवर्क भी नहीं हो रहा होगा ना फोन पे। अरे भाई यार, भाई, 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 यार,